हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशिता और इशिताज वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज चेकआउट कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरे सोशल हैंडल्स को आप अगर फॉलो करना चाहते हो तो वो सब भी नीचे लिंक रहेगा, तो आप जाके चेकआउट कीजिए। तो अगर आप लोगों को खट 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 का आवाज आ रहा है तो सॉरी गाइज, वो एक्चुअली मेरे पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए आप लोगों को इतना आवाज आ रहा होगा। टाइटल से आप लोग पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या है। तो फिर जिस वॉल के सामने बैठ के मैं शूटिंग करने वाली थी तो वो बहुत ही सिंपल सा वॉल है, एकदम ऑफ वाइट सा, तो बेसिक सा है और मैं उसको थोड़ा एनहांस करना चाहती थी। तो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ वॉलपेपर, वॉल स्टिकर्स ऑर्डर किए हैं ताकि मैं उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर सकूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लगे। पहले तो देखते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, चलिए देखते हैं। वाली वो यही वॉल है, देख सकते हैं आप, बहुत बेसिक सा वॉल है ऑफ वाइट कलर का। मैंने अपना हेयर डाई कर लिया है बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, और फैन नहीं चला सकते क्योंकि आप लोगों को आवाज़ आने वाला है फैन का। पहला स्टिकर जो है वो है ये, बहुत ही खूबसूरत फेदर प्रिंट का स्टिकर है, तो इसको मैंने लिया है बैकग्राउंड को डेकोरेट करने के लिए। इसका प्राइस और ये एक्चुअल में कैसा दिखता है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से तो मैं लिंक भी नीचे दे दूंगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है छोटू सा क्यूट सा मिनियन का स्टिकर, बहुत ही ज्यादा क्यूट है ये। तो इसको मैंने लिया है एक्चुअली जो हम लोग का स्विच बोर्ड है उसको डेकोरेट करने के लिए, बहुत बेसिक है स्विच बोर्ड भी, इसको थोड़ा सा एनहेंस करेगा ये, बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और जो लास्ट मैंने लिया है वो है ये एक्चुअली वॉलपेपर है, वो दोनों तो वॉल स्टिकर्स थे, ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा नहीं खोल रही, बस आपको आप लोगों को प्रिंट दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंट है इसका। तो इसको मैंने बेसिकली किचन के लिए लिया था, तो मैंने दो रोल्स ऑर्डर किए थे, एक रोल यूज हो गया है किचन में और एक बच गया है, तो इसको मैं बाद में कहीं पे यूज कर लूंगी। गाइज ये है हमारा फाइनल वॉल, आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये जो स्टिकर्स है ये बहुत अच्छे हैं फेदर वाले, पर गाइज आई विल टेल यू, ये जो मिनियंस वाले स्टिकर है ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट से है, मतलब वॉल का पार्ट भी दिख रहा है। और जो इसका ड्रॉबैक है वो है ये, जिस पेपर से हम लोग उसको अलग कर रहे थे उससे वो ठीक से अलग नहीं हो रहा था, फट जा रहा था। जैसे कि ये देखिए, ये लेग जो है और हैंड, यहाँ पे हैंड तो अलग से दिया गया है, ये जो लेग है उसका, उससे हम निकाल ही नहीं पाए, बहुत कोशिश किए तो ठीक से निकाल नहीं पाया। तो ये है हमारे बिना लेग वाले मिनियन और ये है हमारा वाल, कैसा लगा आप लोग को?
तो गाइज यहाँ मेरा वीडियो खत्म होता है, मैं पूरा पसीने से भीग गई हूँ सबको लगाते लगाते, इसलिए फैन चलाई हूँ, फैन का आवाज़ भी आप लोगों का आ ही रहा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।